press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब बाई राकेश पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं भारतीय नौसेना की तरफ से वैकेंसी आई है, भर्ती निकली है, उसकी जानकारी लेके आया हूँ। भारतीय नौसेना के अंदर भर्ती निकाली है 2700 पदों के ऊपर, जिसमें एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कैसे करें, ये संपूर्ण जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। गाइज, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें समय समय पर आने वाली हर सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी इस जॉब के बारे में दूंगा, उसके बाद मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा जिसके अंदर ये जॉब निकली है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक जानकारी इस जॉब की। गाइज, ये जो जॉब है वो भारतीय नौसेना भर्ती इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट के अंदर 2700 सेलर्स वैकेंसी निकली है, जिसकी लास्ट डेट है 10 जुलाई 2019। इंडियन नेवी वैकेंसी की डिटेल इस प्रकार से है। पोस्ट नंबर एक है सेलर फॉर आर्टिफिशियर अप्रेंटिस यानी AA, जिसकी टोटल 500 वैकेंसी है। पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपये यानी लेवल 3 की पे आपको इस जॉब में सिलेक्शन के बाद दी जाएगी। पोस्ट नंबर दो है सेलर फॉर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी SSR, इसके लिए टोटल 2200 वैकेंसी है और पे स्केल 21,700 से 69,100 रुपये लेवल 3 की पे इसके लिए भी है। आगे है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्या क्या इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विथ मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में, या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के साथ में, अगर आप 10+2 हैं तो आवेदन करें। और डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2003 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी हाइट 157 सेंटीमीटर, फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी 1.6 किलोमीटर रनिंग 7 मिनट के अंदर, और 20 स्क्वाड अप्स उठक बैठक और 10 पुशअप। इसके बाद आगे चल के एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 205 रुपये, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आवेदन फीस पेमेंट आप नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर, रुपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स, आवेदन शुरू हो चुका है 28 जून 2019 से और आवेदन करने की लास्ट डेट है 10 जुलाई 2019। बाकी ये इम्पोर्टेंट लिंक हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पढ़कर पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, उसके अंदर से भी हम आपको बताएंगे, ताकि आपको यकीन हो कि ये फेक न्यूज़ नहीं, बिल्कुल सही है। तो चलिए अभी हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। गाइज, आप ये देख सकते हैं द इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट। इंडियन नेवी के अंदर अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियर अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के पदों के ऊपर वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी 500 AA के पदों पर और 2200 वैकेंसी SSR के पदों पर निकली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विथ 60% अंक के साथ में AA पद के लिए, जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के साथ
और SSR पद के लिए 10+2 मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में। एज लिमिट 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2003 के बीच में जन्म होना जरूरी। पे स्केल, पे और अलाउंस ₹14,600 पर मंथ विल सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद में आपको ₹14,600 पर मंथ दिए जाएंगे। लेवल 3 के वह डिफेंस पे आपको ₹21,700 से ₹69,100 आपको दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं विभाग की वेबसाइट के ऊपर जाकर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप 28 जून 19 और 10 जुलाई 2019 तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2019 है, जब तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको दिखाया और आप अच्छे से इसको पढ़ लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आप देख सकें हर सरकारी नौकरी की ताज़ा अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।